इंटरेस्टिंग और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म उद्योग और कलाकारों को बढ़ावा दिए जाने के क्रम में देश सहित स्थानीय मीनाक्षी सिनेमा में शुक्रवार को रिलीज हुई हिंदी फीचर फिल्म मुंबई टू आगरा को देखने पहले दिन दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो की रिलीजिंग सेरेमनी का एडीएम सिटी अमित कुमार, एडीएम फाइनेंस मीनू राणा आदि के साथ प्रोड्यूसर पंकज धीरज, भूपेंद्र सिंह ने फीता काट कर शुभारम्भ किया। शुभारम्भ के बाद दर्शकों के साथ सभी ने फिल्म देखी। बड़े पर्दे की स्थानीय कलाकारों को लेकर अधिकांश अलीगढ़ में फिल्मांकित की गई है। इस फिल्म का निर्माण आईएसके एंटरटेनमेंट मुंबई द्वारा डीएमजी फिल्म प्रोडक्शन और सुसेन फिल्म एंटरटेनमेंट के विशेष सहयोग से किया है, जिसके निर्माता और लीड हीरो सुजैल खान हैं। गदर 2 के बाद सिने जगत की रियल लाइफ पर बनी ये फिल्म धमाल मचा रही है। रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पर्वों के दौरान ये फिल्म रोमांच से भरपूर है, जिसे देखकर दर्शक और प्रशंसक काफी खुश हैं। फेस्टिव ऑफर के चलते फिल्म के दर्शकों को उनकी टिकट को देसी थाली रेस्टोरों धीरज पैलेस होटल में ले जाने पर स्वादिष्ट व्यंजनों पर विशेष छूट दी जा रही है। अतिथिगण ने यहां प्रदर्शित फिल्म को अलीगढ़ के लिए एक और सुनहरा अध्याय बताया। लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट, अलीगढ़। नीति बनाई जा रही है जो स्थानीय कलाकार हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, स्थानीय स्तर पर फिल्मों का विकास हो। इसी के क्रम में हम अपनी हमारे स्थानीय अलीगढ़ के कलाकारों द्वारा जो है इसमें सहभागिता की गई और हम लोग आगे पिक्चर का उद्घाटन भी आप अच्छे सिनेमा हॉल है यहाँ पर और अलीगढ़ की समस्त जनता से अपील है कि इसमें हमारे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा मूवी में अपना किरदार अदा किया गया है और उनको सराहना, उनका मनोबल बढ़ाया जाए ताकि और भी लोग ऐसे निखर कर आए। ऐसा कुछ है अलीगढ़ की कोई सभ्यता के बारे में भी इसमें बताया गया है क्या? नहीं, यह मूवी मनोरंजन के लिए है तो यहाँ के स्थानों को दिखाया गया है, यहाँ के रहन सहन का तरीका दिखाया गया है और हमारी सरकार की मंशा भी है। देखें, फिल्म सिटी भी बन रही है नोएडा में कि हमारे जो ऐसे छोटे शहर हैं इस तरह की चीज़ों को हम अपने प्रदेश में बढ़ावा मिले, इसी का ये हिस्सा। देखिए, हम लोग पिछले इस फिल्म लाइन में पिछले करीब एक दशक से जुड़े हुए हैं और शुरुआत के दौर में लगता ये था कि अलीगढ़ जैसी छोटी जगह के कलाकार मुंबई में कैसे काम कर पाएंगे, आगरा जैसी छोटी जगह के कलाकार कैसे काम कर पाएंगे। लेकिन हमने एक प्रयास करा यहाँ से, अलीगढ़ से, कि अलीगढ़ को हॉलीवुड के रूप में देखते हुए यहाँ की, क्योंकि बहुत सारी हस्तियाँ अलीगढ़ से निकली हुई है, चाहे रविंद्र जी सही, चाहे भारत भूषण जी हमारे एक्टर सही, बहुत सारी स्थिति ऐसी हमने प्रयास करा। तो आज आपने इस पिक्चर में देखा, जैसा आपने सीन में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े कलाकार जो अमिताभ बच्चन जी के साथ काम कर चुके हैं बहुत सारे हैं, अली हैदर साहब हैं, बहुत सारे काम कर चुके हैं हम लोगों के, अलीगढ़ के कई लोग आपने इसमें देखे। तो प्रयास ये आने वाले समय में हम अलीगढ़ को पूरी तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं कि कहीं और शूटिंग के लिए जाना ना पड़े। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जगह की अधिक से अधिक शूटिंग हो और हमने प्रयास ये इस तरह कार्य किया। अलीगढ़ का जो आगरा का घाघरा गाना है वो बहुत ही फेमस हुआ है ये गाना, और इस फेमस को बहुत ही रिकॉर्ड टूर ऑडियंस ने मतलब सिंग देखा गया है। तो अभी ये इस बार OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, बहुत जल्दी पिक्चर है, जहाँ चलने के बाद बहुत खुशी है कि आज बहुत अच्छी भीड़ हमें यहाँ देखने को मिली। आज हॉल जो हमारा पूरा हाउसफुल की तरह ही था, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी यहाँ इस पिक्चर का आनंद लिया, सामाजिक लोगों ने भी आनंद लिया। जी, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं वो अधिकतर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसमें कुछ कलाकार आगरा के हैं और कुछ कलाकार अलीगढ़ के हैं और इस समय जो कलाकार खड़े हुए हैं सभी अलीगढ़ के कलाकार हैं हमारे, जो कि इस फिल्म पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं। और इस फिल्म का नाम है मुंबई टू आगरा, यानी कि इसमें इस प्रकार की कहानी बताई गई कि एक स्ट्रगल मुंबई की एक आस लेके पहुँचता है, एक कहानी लेके पहुँचता है कि उसको कुछ बनना है और उस उद्देश्य से वो मुंबई की तरफ रुख करता है और उसको किस किस परेशानियों का सामना होता है, वो परेशानियाँ इस फिल्म में दिखाई गई है और किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है वो चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तब तक आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, एक एंटरटेनमेंट मिलेगा। सर, इस फिल्म को लेकर अलीगढ़ वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस फिल्म को लेकर अलीगढ़ वासियों के लिए मैं इस तरह यही कहना चाहूँगा
कि सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि ये फिल्म अलीगढ़ के कलाकारों द्वारा बनी गई है और अलीगढ़ के प्रोड्यूसर साहब हैं मिस्टर पंकज धीरज जी और हमारे मिस्टर भूपेंद्र जी जो कि एज ए एक्टर हैं और सारे मिस्टर शिल्पी जी और हमारे सभी कलाकार हैं जो कि इसमें मौजूद हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा अलीगढ़ की सरजमीन पर ये कलाकार आपके साथ प्रेम किए हुए हैं और ये प्रेम बरकरार रखें और सभी लोग फिल्म को जरूर देखें। और इसके साथ मैं एक और खुशखबरी देना चाहूँगा, इस सिनेमा हॉल में मेरी दूसरी फिल्म जो कि ड्रीम गर्ल चल रही है वो मेरी ही फिल्म है, तो मेरी इस सिनेमा घर में दो फिल्में एक साथ चल रही हैं। तो मैं अब आपसे आग्रह करता हूँ कि सभी लोग सिनेमा हॉल में पहुंचे क्योंकि टाइम हो चुका है।